हेल्दी कुकिंग हैप्पी लिविंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज है महाशिवरात्रि फ्राइडे और अब है रात का 12:30 बजे फ्राइडे को। ये हमारा एक बेडरूम है, उस पे हमने कुछ बैठने का फर्नीचर रखा है, बेड नहीं रखा, और उसका क्लोज़ेट को हमने पूजा प्लेस पे कॉन्वर्ट कर लिया। सारा सजावट का चीज़ें और भगवान की मूर्ति और भगवान की जो बर्तन है, थोड़ा सा बर्तन, पूजा का सामग्री सामान और जो भगवान का पिक्चर्स है वो हम लोग कोलकाता और बनारस से लेके आई हूँ। काशी विश्वनाथ हमारा बहुत ही पसंदीदा एक प्लेस है टू विजिट, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, मेरे हस्बैंड भी पसंद करते हैं, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे जब भी चांस मिलते हैं तब। आप लोग भी कभी बनारस जाओ या कोलकाता पे जाओ, कोलकाता का कालीघाट से हम लोग लेके आए हैं। आप जानते हो 51 पीठ पे एक प्रसिद्ध पीठ है कालीघाट, माँ काली है वहाँ पे। वहाँ पे भी पूजा का सामान और सजावट का चीज़ें, मूर्ति बर्तन बहुत अच्छा अच्छा मिलते हैं, पिक्चर्स बहुत अच्छा मिलते हैं वहाँ का। आप अच्छा क्वालिटी का चीज़ें आप चाहो तो आपको मिल सकता है। तो मैंने प्रसाद का थाली लगा दिया, अभी मैं पंचामृत दे के शिव जी को नहा लूँगी। अभी तो फ्राइडे रात को 12:30 बज गए, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट देने के लिए दूसरे रूम पे कंप्यूटर पे बैठ के कुछ ऑफिस का काम कर रहे हैं कि मैं अकेले अकेले पूजा ना करूँ। पूजा होने के बाद जब मैं आरती करूँगी उनको बुला लूँगी। तो पूजा करने से मेरे मन को जो शांति मिलता है, जो सुख मिलते हैं, और कोई भी चीज़ पे मुझे नहीं मिलता है। और अभी नहीं, बचपन से ही ऐसे ही है, मुझे पूजा करना बहुत पसंद है। मैं खुद को बहुत लाकी समझती हूँ कि मुझे पूजा करके इतना शांति मिलता है। कुछ चीज़ तो आपके लाइफ में चाहिए कि आपको शांति दे, तो पूजा करना उनमें से एक चीज़ है मेरे लिए। पंचामृत बना लूँगी, घी, शहद, जो हनी है वो, दूध, दही और गंगा जल से। यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी जो है पैटल ब्रदर्स, वहाँ पे गंगा जल मिलते हैं। और ये है मेरे प्रसाद की थाली, कच्चा पक्का अमरूद, और ड्राई फ्रूट्स पे है खजूर, काजू, आमंड, पिस्ता, और मैं सूखा जो चना होता है ना, काला चना, रोस्टेड काला चना वो रखा है। और एक मिट्टी की ग्लास पे जो कुल्हड़ बोलते हैं शायद, उसमें मैंने 2 कैन का रसमलाई रखा है और पानी दिया है। मैं हर बार साबूदाना का प्रसाद बनाती हूँ, पर इस बार मेरा मन किया कुछ डिफरेंट करे, तो इसीलिए ऐसे पूजा किया। मैंने बाहर से कोई भी फल या फूल नहीं मंगवाई, इतना खुशी मिला कि मेरे बैकयार्ड का अमरूद का जो गुआवा बोलते हैं उसका पेड़ से ही मुझे ये 4 फल मिला, 2 पके हुए और 2 कच्चा। और ये काटो तो अंदर पूरा पिंक एकदम है, इसका वैरायटी ऐसे है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि इस बार मैं अपने पेड़ का फूल और फल से पूजा कर सकती हूँ, तो मुझे इसका बहुत ही आनंद मिला इस चीज़ का। तो अभी मैं पंचामृत से पूजा कर लूँगी। और ये जो पंचो प्रदीप बोलते हैं ना, 5 दिया, कपूर और अगरबत्ती से मैं आरती कर लूँगी। ये पंचो प्रदीप मैं पैटल ब्रदर्स से लिया, आप लेना चाहो तो वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा पूजा का सामान मिलते हैं। देखिए मेरा पूजा हो गया और ये है मेरा शिव जी। और जो जस्मीन का फ्लावर आप देख रहे हो ना, जूई फूल बोलते हैं, वो मेरे सामने, घर के सामने जो छोटा सा गार्डन है वहाँ का पौधे से मिला। ऐसे ठंडे पे तो बिल्कुल नहीं ब्लूम होता, पर शिवरात्रि के लिए शायद ब्लूम हुआ है। और बेल की पत्ता मुझे पैटल ब्रदर्स से मिला। और जो जनेऊ है ना, हम लोग बांग्ला पे पोइते बोलते हैं, वो भी मुझे पैटल ब्रदर्स से मिल गया। जनेऊ बोलते बोलते तो मेरा दांत एकदम दांत टूट रहा था, मैं पोइते पोइते बोल के फिर इशारा से उन लोगों को समझा रही थी, क्योंकि मुझे इतना मालूम नहीं था इसको जनेऊ बोलते हैं। तो मैं जा 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 ऐसे बोल रही थी, फिर उन लोगों ने बोल दिया जनेऊ। मैं भी हंसी, वो लोग भी हंस रहे थे, इसका हिंदी टर्म मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और बेल की पत्ता का हमारा छोटा सा पौधा था वो मर गए, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो हस्बैंड ने आइडिया दिया, चलो पैटल ब्रदर्स जाते हैं देखते हैं।
मैंने बोला वो लोग क्यों बेचेंगे? बोलते हैं नो, दे आर वेरी बिजनेस माइंडेड, शायद शिवरात्रि है कल, तो आज बेच सकते हैं। तो थर्सडे जाके हम लोगों को ये मिल गया, पूरा एक दिन भगवान के सामने जिपलॉक बैग पे मैंने रख दिया, $1 पे ऐसे 3 पत्ते का 4 पीस मिला। तो देवी और दूसरे भगवान को भी मैं चढ़ा सकी, तो मुझे बहुत खुशी हुआ इस बात का कि हमारा बेल का पौधा मर गया, तो मैं दूसरा बार लगा लूँगी घर पे। घर पे नहीं था, वो दूसरे जगह पे था, इसीलिए टेक केयर नहीं कर पाई, अभी तो घर पे ही लगा लूँगी। और ये है मेरा कपूर का आरती, अगरबत्ती जला लिया, और पोंचो प्रदीप जो 5 दिया वो भी जल रहा है। अभी मैं आरती कर लूँगी और हस्बैंड को भी बुला लूँगी, आरती दे दूँगी। आरती देने के बाद मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा। ये है मेरा शिव जी का फाइनल लुक। और फ्राइडे रात को मेरा पूजा संपन्न हुआ, सैटरडे संडे हम लोग बाहर डिनर किए, इंडियन रेस्टोरेंट पे वेजिटेरियन डिनर किया, और संडे सुबह पे हम लोग मंदिर गए थे। यहाँ पे कैसलबेरी टेम्पल है, पूरा साउथ इंडियन स्टाइल का टेम्पल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत सजावट उनका अच्छा है, सुंदर है। उस टेम्पल पे जाके हमने दक्षिणा दिया, क्योंकि व्रत के दूसरे दिन बोलते हैं ब्राह्मण को दक्षिणा देके फिर व्रत संपन्न होता है। तो यहाँ पे ऐसे ब्राह्मण कहाँ पे मिलेगा, और पुजारी को ऐसे पूजा ना करवा के तो नहीं दे सकते, ऑड लगेगा। तो इसीलिए मुझे कोई ब्राह्मण दोस्त ने ही बोला था कि आप मंदिर पे जाके दक्षिणा दे दो, दान का जो बॉक्स है वहाँ पे दे दो तो हो जाएगा। तो सैटरडे जब गए मंदिर बंद हो गए थे, तो संडे जाके दिया, फिर रात को बाहर खा के आए। सैटरडे संडे हस्बैंड मुझे बिल्कुल कुकिंग करने के लिए मना कर दिया कि तुम कुकिंग मत करो। और फ्राइडे मैं अपनी पेड़ का फूल फल से पूजा दिया, मुझे बहुत खुशी हुआ। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा शिवरात्रि का व्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, और सबको हर हर महादेव, हैप्पी न्यू शिवरात्रि सबको।